जी तो किसान भाई आपने नोट कर लिया है कि आपने इसकी नर्सरी को कब लगाना है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, आप पहचानते हैं मेरे साथ हैं संजीव डोडा, आप निगदू से हैं और बहुत सहयोग करते हैं मुझको ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने में और बीज बनाने में। आज मैं इनको ब्रीडर बीज दे रहा हूं, ये मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल से लिए हैं और किस्मों के नाम हैं PB6 1401 के नाम से जानी जाती है और साथ में है दूसरी किस्म, बहुत सालों के बाद मुझको मिल गया इसका भी ब्रीडर सीड। किस्म का नाम है PB1 PB1। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इन्होंने 1401 तो लगाई है, पहली बार लगाएंगे PB1, ब्रीडर से तैयार होगा फाउंडेशन सीड, तो कैसे करेंगे खेती। बहुत बहुत स्वागत है रिंकू आपका हमारे चैनल पे, नमस्ते। तो पहले गेहूं पे चर्चा कर ले, किसानों को थोड़ा बताइए, आपने काफ़ी किस्में लगाई थी जो मैंने दी थी, कुछ का तो बीज हमने लिया है, तो कौन कौन सी किस्में अच्छी लगी हैं इस बार, मौसम में बड़ा उतार चढ़ाव था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो किस्म सबसे बढ़िया रही है वो DBW 327 रही है जी। अच्छा, सबसे टॉप में ये, और सभी मान लो पंजाब में भी और हरियाणा में भी। अच्छा, बहुत इसका उत्पादन सही निकला है। सही निकला है, हाँ जी। तो और किस्में कैसी रही हैं, आपने तो काफ़ी किस्में लगाई हैं, 826 है, 332 है, 327 तो आप बता ही चुके हैं, 70 है, 71 है, 72 है, जरा बताओ किसानों को क्या एक्सपीरियंस करनाल परिपेक्ष में रहा। डॉक्टर साहब, जो हमारे यहाँ हमने वैरायटियाँ लगाई थी वो DBW 327 जी, जी DBW 332 जी, जी और ये PBW 826 जी, जी और DBW 371 और 372 लगाई थी जी। जी, तो इसमें मान लो ये 327 भी बहुत अच्छी निकली है जी, और जो हमारे यहाँ अपने फील्ड पे निकली है जी, जो PB 826 जो पंजाब में कहीं कह रहे कहीं कहीं शिकायत आई है, लेकिन हमारा पिछली बार भी उत्पादन इसका 70 मन का आया था जी, और इस बार भी, पिछली बार हमारे पास 3 एकड़ थे जी, इस बार हमारे पास 9 एकड़ था जी। जी, तो वही आपसे बीज लिया था जो ब्रीडर से हमने फाउंडेशन बनाया जी, था जी, जी, जी। तो उसका उत्पादन 70 मन के हिसाब से आया जी, 826 का जी। बाकी 332 आपने कहा था पिछली बार की ये पानी सह जाती है, बारिश आई थी, हल्के खेतों में भी कामयाब है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, बारिश आई थी यहाँ पे, ओलावृष्टि भी हुई थी एक दिन। डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे 332 हमने पिछली बार 2 एकड़ कलर में लगा दी थी जी, जी। तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा निकला था जी, तो इस बार मेरे पास 8-10 एकड़ जो थी वो कलर की जमीन थी जी। अच्छा, तो उसमें हमने सारी यही 332 लगाई थी जी। अच्छा, और जब हमने दूसरा पानी दिया उसमें जी, तो ऊपर से बारिश हुई जी, वो खेत ऐसा था जो पानी बिल्कुल नहीं पीता था जी, जी। तो फिर भी उसमें हमारा उत्पादन उसमें सही निकला इसका जी। अच्छा, 332 का, 332। तो आप सिफारिश करते हैं कि जिनकी कलर की जमीन है वो इसको लगा सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ कहना चाहें किसान। और डॉक्टर साहब, एक और कहना चाहूंगा, 371 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, लेकिन उसका थोड़ा सा कद ज्यादा है जी। अच्छा, जिस तरह आप सिफारिश करते हैं कि वो उसमें वो 2 स्प्रे करने चाहिए जी, अगर वो स्प्रे कर दे तो इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे किसान भाइयों, ये तो इन्होंने लिखा जोखा दिया है, आप भी जरा कमेंट बॉक्स में लिखना आपके यहाँ कौन सी किस्म थी और कैसी पैदावार हुई है। तो संजीव, आप बताएं जरा, 1401 मुच्छल की ना इस बार बहुत डिमांड है, काफी किसान पंजाब से मेरे को मिले हैं, कुछ ने तो बीज भी लिया है, तो आपने पिछले साल भी तो लगाई है, उससे पिछले साल कई बार लगाते हो, ब्रीडर सीड हम देंगे, तो कैसे खेत तैयार करेंगे, कितने दिन की फसल है, ताकि वो किसान भी जो लगा रहे हैं उनको भी पता लगे, वो भी हमको समझाएंगे कमेंट में कि ऐसे करना चाहिए, और आप भी बताओ जो नए हैं जो नहीं लगाते हैं मुच्छल, कि वो कैसी पैदावार देगी। डॉक्टर साहब, ये जो मुच्छल अपने एरिया में यहाँ बहुत कम लगती है जी, जी, लेकिन इधर जो हरियाणा में, इधर अपना ये फतेहाबाद है, सिरसा है जी, पंजाब में बहुत ज्यादा लगती है जी। अच्छा, और एक तो इसका मान लो जो रेट है जी वो सही, दूसरी वैरायटियों से हर बार सही मिल जाता है जी, तकरीबन दूसरी जो ये कई वैरायटियां उसका रेट कई बार कम हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसका रेट ठीक रहता है जी और उत्पादन भी इसका सही है जी। ये कितनी पैदावार दे देगी 1401 अंदाजन, अगर सब कुछ ठीक रहता है मौसम? डॉक्टर साहब, ये 26-30 क्विंटल तक पैदावार देती है जी। कोई कोई कह रहे थे हमारे यहाँ 30-32 की एवरेज आ जाती है। डॉक्टर साहब, वो सिरसा उधर जो उस साइड में ये निकल जाती है जी, लेकिन अपने एरिया में इधर 26-30 क्विंटल तक इसकी एवरेज है जी।
30 क्विंटल डा सब बहुत एवरेज है जी। पिछली बार इसका रेट 5000 रुपए तक पहुंच गया था जी। अच्छा, तो आप हिसाब लगा सकते हो जी, 1.5 लाख रुपए का किला बनता है जी इसका, 1.5 लाख का एकड़ बन गया, इसीलिए लोग इसकी। हाँ जी हाँ। तो PB1 के बारे में किसानों में बता दूं कि ये पूसा बासमती 1401 की तुलना में, PB6 की तुलना में कुछ कम समय लेती है और हल्के खेतों में भी हो जाती है। इसकी पैदावारी भी बहुत अच्छी रहती है और इसको लगाने की विधि बिल्कुल वही है जो 1401 की है। आप अगले साल अच्छे बीज के लिए संजीव डोडा से या हमसे भी संपर्क कर पाएंगे। आइए मैं दिखाता हूं जो बीज मैं इनको दे रहा हूं। तो संजीव, मैं आपको ये दोनों गिफ्ट कर रहा हूं और ये 24-24 किलो बीज हैं, दोनों ब्रीडर हैं। किसान भाइयों, आप देख लें, ये IRI नई दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय जो करनाल में है, ये टैग तो है PB1 का, PB1 लिखा है इसमें, और दूसरा वाला जो है ये PB6 या 1401 है। तो इनसे अच्छा बीज बनाएंगे रिंकू, ये काफ़ी सालों से हमारे साथ हैं। किसान भाइयों, आप चैनल तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें तथा लाइक करें। तो संजीव, आप बताएं इसकी नर्सरी कब लगानी चाहिए कि इसमें बकानी कम आए? डॉक्टर साहब, इसकी नर्सरी तकरीबन 1 जून से 7 जून के तकरीबन बोनी चाहिए जी। अच्छा। जो कि जुलाई के पहले हफ्ते में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो सके जी, या 15 जुलाई तक लगे जी। अच्छा। कई लोग होते हैं जो इसकी नर्सरी 15 मई को ही डाल देते हैं जी। अच्छा। और 15 जून को लगाते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है बकानी रोग की जी। पैदावारी में भी कुछ फर्क पड़ता है, दाने की लंबाई में भी फर्क पड़ता है कुछ ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, उसमें थोड़ा उसमें सीड ब्लाइट वगैरह ज्यादा आ सकती है। अच्छा। इसलिए इसको थोड़ा लेट ही लगाएं। किसान भाइयों, PB1 बासमती जो है, पूसा बासमती 1 धान की किस्म, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के लिए 1989 में जारी की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की है ये, और पहली अर्धबोनी है। उपज बहुत अच्छी होती है, 5 से 5.5 टन और 135 से 140 दिन में पक जाती है। आप इसको लगा सकते हैं जी। तो किसान भाई, आपने नोट कर लिया है कि आपने इसकी नर्सरी को कब लगाना है, तो आप अच्छे से करेंगे खेती। किसान भाई, मैं अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को शेयर भी कर दें, हो सके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कर दें, तो आपका शुक्रिया। सबको शुभकामनाएं, नमस्कार।